ऑलराइट, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इमीडिएट सेटलमेंट के सीरीज का। अगर पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना, चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच अ फुटिंग वुड सेटल, ये क्वेश्चन है कि कितनी सेटल होगी ये फुटिंग, तो कौन सी सेटलमेंट है। तो जी सेटलमेंट जो है वो है इमीडिएट सेटलमेंट। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, जैसे कि पिछले वाला ये दो क्वेश्चन है मैंने पिछले वाले वीडियो में तुम्हें बताया है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये उसकी तरह तो वैसे फॉर्मूला सेम है लेकिन गड़बड़ी क्या हो रही है वो मैं बता देता हूँ। तो इसका जो पिछले वाले वीडियो चैनल पे चेकआउट कर लेना, इस वीडियो जहाँ पे उस वीडियो के पिछले वाले है, और इस पूरे वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला है हमारा क्यू बी इंटू इन ब्रैकेट 1 - u² डिवाइड बाई es इंटू आई जे। अब यहाँ पे फॉर्मूला में टर्म समझने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ क्या है। तो पिछले वाले की तरह अगर देखोगे तो ये जो पूरा चीज़ है ये हमारे काम का नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि इन सब की वैल्यू दी गई नहीं है हमें, ये इनकी वैल्यू ही नहीं दी है। तो हमें इसको क्या अज्यूम करके, ये कॉन्स्टेंट है तो इसको हमें कांस्टेंट अज्यूम करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है हमें एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू। तो यहाँ पे हमें फुटिंग दी गई है, स्क्वायर फुटिंग ऑन सैंड एट 2 मीटर डेप्थ। ओके, 2 मीटर उसकी डेप्थ है, शोज एन इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ 5.5। मतलब जो फुटिंग है कि जो सैंड पे है वो हमें दिखा रही है 5.5 mm का सेटलमेंट, कितने लोड पे, जब उसके ऊपर हमने लोड अप्लाई किया था 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए, मतलब ये हमने, ये हमारा क्यू था जिसके ऊपर हमें ये वाला जो है ये हमें एस मिला। ठीक है, तो ये पहली फुटिंग थी और ये पहला लोड था, ऐसा समझ लो। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला कि हाउ मच सेटलमेंट ऑफ फुटिंग, हाउ मच अ फुटिंग वुड सेटल इफ इट हैज टू कैरी अ लोड ऑफ 150 kN/m². अब ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्यू टू। मतलब इसने पूछा है कि अगर ये फुटिंग 200 kN/m² पे 5.5 mm का सेटलमेंट दिखाती है तो 150 kN/m² पे कितना सेटलमेंट दिखाएगी। तो हमें ये S1 जो है पहला सेटलमेंट नंबर वन, इमीजिएट सेटलमेंट नंबर वन S1 हो जाएगा, और S2 हमें कैलकुलेट करना है। S2 हमें जो है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इतना आसान, इतना तुम आई होप थियोरेटिकली समझ गए होगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 डिवाइड बाई S2 इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2। बहुत आसान फॉर्मूला है, अब इसमें सिर्फ वैल्यू डालने की जरूरत है। तो हमारा S1 क्या आया था, 5.5, और 5.5 mm पे जब सेटल हुई, 5.5 mm सेटल हुई तो लोड कितना था, 200। तो ये हमारा Q1 हो गया। इसके बाद S2 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आएगा ये मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू कैसे डालती है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट को वो नहीं पता। तो ये हमारा X हो जाएगा जो कि अननोन है, S2। तो S2 के ऊपर कितना लोड अप्लाई किया था, 150 kN/m², वो ये हमारा Q2। तो ये मैं अभी कैलकुलेटर पे तुम्हें ये वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ कि प्रॉपरली कैसे किया जाता है कैलकुलेटर पे। देखो मेन काम यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेटर का ये, तो अगर तुम्हारे पास ये इस टाइप का कैलकुलेटर नहीं है जिसके ऊपर तुम ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि ये तुम ले लो, खरीद लो। थोड़ा 1000 कुछ आता है, अगर सेकेंड हैंड लोगे तो वो थोड़ा सस्ता आ जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रीन के ऊपर तुमने देखा होगा कि यहाँ तक कैसे आए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, शिप सॉल्व डालना तो है लेकिन शिप सॉल्व अगर डालोगे तो आएगा सॉल्व फॉर एक्स, और ये हमें नीचे कुछ वैल्यू आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट को लगेगा अच्छा हमारा ये वैल्यू आंसर आ गया, लेकिन नहीं 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 ये क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बहुत गड़बड़ी है, गड़बड़ वाली चीज़ है। ये क्या होता है, जब तुम पिछला कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया होता है तुमने तो उसकी हिस्ट्री जो है कैलकुलेटर सेव कर लेता है, जैसे हमारे क्रोम की हिस्ट्री क्रोम सेव कर लेता है, और जब हम टाइप करते हैं कुछ वेबसाइट तो वो सजेशन में आ जाता है।
वैसे ये हमारा सजेशन में आया, ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। हमारा जवाब तब आता है जब तुम्हें अपने कैलकुलेटर स्क्रीन पे ये वाली स्क्रीन दिखेगी। एक बार फिर से लिखा रहता हूँ, जब ये वाली स्क्रीन दिखेगी x इक्वल टू एल माइनस आर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ये वाला कुछ जवाब आएगा यहाँ पे, तब जब ये वाली स्क्रीन आएगी तो ये हमारा प्रॉपर आंसर होता है। इससे पहले जो आता है, अब तुम्हें एक और करके दिखा देता हूँ इसका। अभी देखो ये कितना दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाली स्क्रीन हमारी सेव स्क्रीन होती है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये देखो ये पिछला वाला जो आंसर आता है वो उसे सेव करके हमें यहाँ पे दिखा देती है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, हमें ये इस टाइप का चाहिए। तो ये वाली स्क्रीन आएगी तभी ये जो आंसर आएगा वही लिखना है। ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, वो पूछ रहा था कि ये मेरा जवाब गलत क्यों आ रहा है। तो उसका जवाब इसलिए गलत आ रहा था क्योंकि उसने ये वाला लिख दिया था, वो होपफुली उसने एग्जाम में नहीं लिखा, नहीं तो उसके भी मार जाते। तो ये हमारा एस हो गया किस में, एमएम में। एमएम में यहाँ पे जॉब क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे जो था सेटलमेंट वो एमएम में था एस वन का, और इन दोनों का सिंस ये यूनिट है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो एमएम में जॉब आ जाता है। तो इस सीरीज इमीडिएट सेटलमेंट सीरीज का ये फाइनल पार्ट था, एपिसोड बोल लो पार्ट बोल लो। इसके बाकी दो जो वीडियो जो है इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया मैंने और इस वाले को, तो ये तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी यूट्यूब चैनल पे तुम्हें चेकआउट करना पड़ेगा, मैंने इसका डाल दिया है। और इसके में ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई इस सब्जेक्ट की, जो हमारे इंजीनियरिंग में इसे DHS कहते हैं, तो चैनल पे तुम DHS की प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, वो तुम्हें मिल जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और ये जो PDF है इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और डाउनलोड करने के बाद एक काम जरूर करना, यहाँ पे तुम सबसे पहले बिना एक बार समझ लेना कैसे सॉल्व किया है वीडियो को देख के, और उसके बाद जो है बस ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, ताकि तुम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।